दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाई मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। मोच ना घुटनों में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। ये दुनियादारी कैसे शुरू होता है? कैमरे के पीछे अमितेश होते हैं, कहते हैं चलिए रोलिंग, और उसके ठीक पहले साउंड चेक होता है। आज साउंड चेक हो रहा था, मैंने कहा 1-2-4 और वहां से जवाब आया 4-2-1। दरअसल आज हम लखन भैया वाले मूड में हैं, परिधान भी कुछ कुछ वैसा है, तो पहले तो सोचा कि इसी गाने से शुरुआत करें। लेकिन गाने के बारे में तो हम आपको पहले ही अपनी व्यथा से अवगत करवा चुके हैं, इसलिए ट्रैक बदलते हैं, एक शेर सुनते हैं, चचा गालिब का शेर। क्या लिख गए हैं चचा? मिर्जा गालिब लिखते हैं, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। आज इस देश का किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं, वहां ये सवाल सबसे मौजूद है। एक ब्रीफ प्रोफाइल बताता हूं, मैं ये वीडियो एक डिजिटल कैमरे पर शूट कर रहा हूं। ये वीडियो लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मार्फत अपलोड होकर आपकी डिवाइस तक पहुंचेगा। आप ये वीडियो देखेंगे स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर या टीवी पर। इन सभी उपकरणों में लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल होती है। इस धरती पर इस श्रेणी की जितनी बैटरियां हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, कोबाल्ट। ये ट्रांजिशन मेटल है जो धरती के भीतर एक रासायनिक अवस्था में पाई जाती है। ये कोबाल्ट ना हो तो शायद मैं ये वीडियो शूट ना कर पाऊं और शायद आप ये वीडियो देख ना पाए। बहुत मुमकिन है कि हमारे इन उपकरणों में इस्तेमाल हुए कोबाल्ट का सोर्स, उसका कंट्री कोड 1 हो, +243। ये कंट्री कोड वहां का है जहां दुनिया का 60% से ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। ये प्राकृतिक संसाधनों में इस ग्रह का सबसे अमीर मुल्क है। वहां 1,738 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के खनिज संसाधन जमीन में अनछुए दबे हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसमें रिलायंस जितनी करीब 144 कंपनियां आ जाएं। ऐसा बमुश्किल ही कोई मिनरल हो जो इस देश में ना मिलता हो। तांबा, गोल्ड, कोल्टान, जिंक, टिन, टंगस्टन, डायमंड सबका भंडार है यहां। होने को ये मुल्क सबसे अमीर देशों में एक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी संपदा उसका अभिशाप बन गई और इसी संपदा के चलते वो गुलाम बना। उसकी आबादी गुलामों की तरह खरीदी और बेची गई। आजादी मिली तो तानाशाही आ गई, सिविल वॉर छिड़ गया, ढेर सारे हिंसक संगठन बन गए, दिन रात सिर्फ मारकाट। 60 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हैं, बेवतन हैं। और इन सब से लोग उभरे भी नहीं थे कि इस्लामिक आतंकवादियों ने यहां घर बना लिया। और आज की तारीख में इस देश की पहचान क्या है? दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे रक्त रंजित संघर्ष वाला देश, युद्ध और घरेलू संघर्ष में सबसे ज्यादा मृतकों वाला देश, वो देश जहां एक भी पक्की सड़क नहीं है, वो देश जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, वो देश जहां 8-9 बरस के बच्चे भी हथियारबंद हत्यारे बना दिए जाते हैं। और बीते रोज यहीं से एक और हमले की खबर आई जिसमें इटली के राजदूत समेत 3 लोग मारे गए। पूरा मामला क्या है आज विस्तार से बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये कहानी है कांगो की। पूरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, शॉर्ट में DRC बोलते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में बसे DRC को आप दुनिया का एक फेफड़ा भी कह सकते हैं, और इसकी वजह है यहाँ के रेन फॉरेस्ट। दुनिया में जितने उष्णकटिबंधीय जंगल बचे हैं उनका 12.5% इलाका DRC में पड़ता है। आप सोचेंगे DRC कहने से तो अच्छा है कि कांगो कहा जाए। नहीं, इस देश को केवल कांगो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया में एक नहीं 2 कांगो हैं। एक है ये DRC और दूसरा उसका पड़ोसी रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इन दोनों देशों को एक प्राकृतिक सरहद बांटती है जिसका नाम है कांगो रिवर। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली कांगो रिवर दुनिया की सबसे गहरी नदी है। प्रचलित मान्यता है कि इस नदी को अपना नाम मिला बाकोंगो नाम के एक स्थानीय कबीले से। बाकोंगो भाषा में एक शब्द है एनकोंगो, जिसका मतलब होता है जाबाज शिकारी। माना जाता है किसी शब्द पर पहले नदी का नामकरण हुआ, और नदी की पहचान के साथ गुथे होने के चलते
दोनों कांगो देशों ने अपना नाम पाया। आपने थोड़ी सी ब्रीफ नक्शेबाजी समझ ली, अब मुख्य प्लॉट पर लौटते हैं। DRC का मुकम्मल नक्शा देखते हैं। इसके उत्तर पूर्व में है साउथ सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, दक्षिण में जाम्बिया, दक्षिण पश्चिम में अंगोला और पश्चिम में हमनाम रिपब्लिक ऑफ द कांगो। DRC का आधुनिक राजनीतिक इतिहास शुरू होता है 13वीं सदी से। तब यहाँ एक साम्राज्य शुरू हुआ, नाम था कांगो। ये किंगडम ऑफ कांगो मौजूदा अंगोला से लेकर DRC तक फैला था। इसके राजा कहलाते थे मनिकोंगो, खूब ताकतवर, अपनी आबादी पर पूरी पकड़। इन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे इलाकों में बांटा था। इन इलाकों के सरदार मनिकोंगो को लगान देते थे। फिर 15वीं सदी आती है, साम्राज्यवाद का दौर शुरू होता है और सभी कॉलोनियल ताकतें कच्चे माल और गुलामों की तलाश में नए नए इलाके खोजना शुरू कर देती हैं। इन खोजों के लिए ये देश अपने जहाजियों को सुदूर समुद्री यात्रा पर भेजते थे। ऐसी एक कॉलोनियल पावर थी पुर्तगाल और उसके एक जहाजी थे डियोगो काओ। 1482 में तकरीबन 8000 किलोमीटर की यात्रा के बाद डियोगो पहुंचे वहां जहां कांगो नदी का मुंह है। भूगोल की भाषा में रिवर माउथ वो इलाका होता है जहां नदी समंदर में मिलती है। कांगो रिवर का माउथ पड़ता है DRC में, यानी यहीं पर यह नदी अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है। डियोगो यहां पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे। जाहिर है उन्होंने बस नदी नहीं खोजी, इसके किनारे बसे देशों को भी खोजा। ये जगह खनिज संसाधनों से अटी है ये भी पता लगाया। फिर यहां कारोबार करने के लिए राजा को भरोसे में लेना शुरू किया, क्योंकि राजा की ही अथॉरिटी थी जनता पर। इसलिए पुर्तगालियों ने राजा से नजदीकी बढ़ाई और इसका पहला बड़ा औजार बना धर्म। पुर्तगालियों ने राजा और उनके बेटे को ईसाई बना दिया। आबादी का भी ईसाईकरण होने लगा। पुर्तगाल के राजा खुद मनिकोंगो को कीमती तोहफे भिजवाते। राजा खुश होकर पुर्तगालियों को व्यापार की खुली छूट देता। कारोबार बस तांबे जैसी धातुओं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ के कबीलाएं भी गुलाम बनाकर बेचे जाने लगे। ये व्यवस्था लगभग 150 बरस तक चली। इसके बाद 17वीं सदी में कई और यूरोपियन ताकत यहाँ आने लगी, जिसमें प्रमुख थे अंग्रेज, डच और फ्रेंच। सबको संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए और इसके चलते लूट खसोट होने लगी। पुर्तगालियों के संसाधन सिकुड़ने लगे। 1665 में उन्होंने कांगो एम्पायर पर हमला भी कर दिया, यानी कल तक जिस राजा को पुर्तगाली क्राउन तोहफे भिजवाता था उसी राजा को अब जंग के मैदान में चुनौती दी गई। फिर हरा कर राजा का सर काटा गया और चर्च में लटका दिया गया और इसके साथ ही कांगो एम्पायर खत्म हो गया। अब DRC की स्थिति हो गई, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये सिस्टम कमोबेश 19वीं सदी के एक लंबे हिस्से तक चला। यूरोपियन देश DRC समेत समूचे कांगो बेसिन पर कब्जा करना चाहते थे। 1880 के दशक में आकर इसमें बढ़त मिली बेल्जियम को। उसके राजा ने बाकी यूरोपियन पावर से कहा कि हमको DRC का कंट्रोल लेने दो, हम उसकी आबादी का उद्धार करना चाहते हैं, वहां परोपकार और मानवीय उत्थान के कार्य करना चाहते हैं। इस कंट्रोल के बदले बाकी यूरोपियन पावर्स को DRC में बिना टैक्स कारोबार की छूट दी गई और इसी व्यवस्था के तहत 1885 में बना कांगो फ्री स्टेट। इसको समझिए कि एक प्राइवेट कंपनी जिसके मालिक थे बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्वितीय। कांगो फ्री स्टेट के बस नाम में फ्री था, हालात गुलामों से थी। कागजी तौर पर इसके गठन का मकसद था गुलामी प्रथा का खात्मा, लेकिन असलियत में मंशा थी रबड़ और हाथी दांत चुराना। 19वीं सदी के आखिरी दशक में साइकिल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम आया था और इसके पहियों के लिए रबड़ चाहिए थी। बेल्जियम की राजशाही ने कांगो को रबड़ उगाने में झोंक दिया। कैसे झोंका? ये रबड़ मिलता था DRC के जंगलों में। यहां लोगों से पेड़ की छाल उतरवाई जाती, उससे निकले द्रव्य नुमा रबड़ को उनके शरीर पर चपोड़ दिया जाता। वो द्रव्य सूखता तो उसे पपड़ी की तरह शरीर से नोच लिया जाता। आप सोचिए ये कितनी निर्मम प्रक्रिया थी। लेकिन अमानवीयता यहीं तक सीमित नहीं थी। हर गांव और कबीले के लिए रबड़ सप्लाई का एक कोटा तय था। लोग भूखे प्यासे जंगलों में रबड़ निकालने जाते, वहीं पर रहते और कोटा पूरा नहीं कर पाते तो राजा के मातहत लोगों के हाथ और कान काट देते। लेकिन जान से नहीं मारते, क्योंकि मारने में गोलियां खर्च होती और उन गोलियों को समंदर के रास्ते DRC लाने में लागत आती। कांगो फ्री स्टेट का ये सिस्टम 1908 में जाकर खत्म हुआ, जब बेल्जियम की पार्लियामेंट ने कांगो का प्रभार अपने पास ले लिया। अब DRC बेल्जियम की आधिकारिक कॉलोनी थी। इस गुलामी से DRC को आज़ादी मिली ठीक 52 साल बाद 1960 में। ये आज़ादी अपने साथ एक अलग किस्म की दुर्दशा लेकर आई। तुरंत ही DRC में सिविल वॉर छिड़ गया और इसकी एक बड़ी वजह थी DRC का मिलिशिया कल्चर। कॉलोनियल पीरियड से ही यहाँ कई कबीलाई मिलिशिया ग्रुप थे। बेल्जियम ने इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स जैसी शक्ल भी दी थी। इसके लड़ाके बेल्जियम के लिए लोकल वसूली एजेंट और हथियारों का काम करते थे। जब देश आज़ाद हो गया और बेल्जियम वहां से चला गया,
तो मिलिशिया ग्रुप्स का ये कल्चर अचानक से ख़त्म नहीं हुआ, ये ऑपरेट करते रहे और इन्हीं के एक बड़े हिस्से को एकजुट करके इन्होंने अपनी सेना बनाई। मोबुतू सेसे सेको, इन्होंने ये सेना बनाई। कौन था ये आदमी मोबुतू? ये DRC की आज़ादी के बाद गठित पहली कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, फिर उसे देश का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी बनाया गया। इसी मोबुतू सेसे ने नवंबर 1965 में अपनी प्राइवेट आर्मी के बूते DRC में तख्ता पलट किया, सत्ता हत्या ली और इस आदमी की तानाशाही 32 बरस चली। इस दौर में मोबुतू ने देश का नाम भी बदल कर रख दिया ज़ाइर। कैसी थी मोबुतू की सत्ता? इस पूरे दौर में भी DRC के मिलिशिया लगातार हिंसा करते रहे। मोबुतू खुद भी बहुत क्रूर और भ्रष्ट था। उसने देश के प्राकृतिक संसाधनों को अपने फायदों के लिए लूटा, टॉर्चर और हत्याओं के दम पर डर का साम्राज्य बनाया। मोबुतू एंटी कम्युनिस्ट था, इसलिए जाहिर सी बात है कि अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर भी उसकी क्रूरताओं पर आंखें मूंदे रही। मोबुतू की तानाशाही खत्म हुई 1997 में। डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो यहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें DRC के दर्जनों मिलिशिया ग्रुप के अलावा 8 बाहरी देश भी शामिल थे। DRC में हीरा, सोना और बाकी धातुओं की खदानें थी, इसलिए इन मिलिशिया ग्रुप्स को पैसों की कमी नहीं थी। वो ब्लैक मार्केट में खनिज बेचते, सफेदपोश कारोबारी ब्लैक मार्केटिंग से आए मिनरल्स को वर्ल्ड मार्केट में दुरुस्त कर देते, सब कुछ क्लीन। DRC का ये सिविल वॉर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में हुआ सबसे बड़ा हिंसक संघर्ष था। 6 बरस चला, इसमें कितनी लाशें गिरी किसी ने नहीं गिनी। मोटा माटी अनुमान है कि इस दौरान 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 50 लाख लोग बेघर हो गए। वर्ल्ड पावर की दखलंदाजी से 2003 में सिविल वॉर खत्म हुआ, फिर 2006 में निष्पक्ष चुनाव करवाए गए और इसमें जीतकर राष्ट्रपति बने जोसेफ काबीला। उनके पिता लॉरेंट काबीला सिविल वॉर के समय देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन पिताजी की 2001 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जोसेफ को इस पद पर बिठा दिया गया। तो 2006 के निष्पक्ष चुनाव में क्या हुआ? सिर्फ इतना कि उनकी सत्ता को निर्वाचित होने की मोहर मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद DRC की हालत सुधरी? और अफसोस से भरा जवाब है, नहीं। काबीला की सत्ता भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह थी, ऐसी सत्ता जो अपनी ही जनता को चबा कर लूट खसोट कर खा जाए। कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं, पब्लिक सर्विस नदारत, पूरे देश में मिलिशिया का आतंक, संसाधनों की नोच खसोट, कोई ठीक से काम करने की कोशिश करे तो मार दिया जाए। मसलन एक दफा एक जज ने एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ फैसला सुनाया तो लीडर के गुंडों ने गुस्से में जज के घर में घुसकर पत्नी और बेटी से गैंगरेप किया और उनमें से किसी को आज तक सजा नहीं हुई है। जोसेफ काबीला असंवैधानिक तरीके से 2018 तक राष्ट्रपति बना रहा, फिर दिसंबर 2018 में बड़ी जद्दोजहद के बाद यहां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हालांकि इसमें भी खूब गड़बड़ी हुई और इसमें जीतकर नए राष्ट्रपति बने फेलिक्स चिशेकेदी। उन्हें सरकार बनाने के लिए पूर्व प्रेसिडेंट जोसेफ काबीला से गठबंधन करना पड़ा। इस गठबंधन में फिलहाल खींचातानी चल रही है, देश की हालत में कोई सुधार नहीं है और नीम पर करेला ये कि अब इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन भी यहाँ पर पैठ बना रहे हैं। और ये पैठ कैसे? अब वो यहाँ की नोच खसोट और हिंसा के भागीदार बन गए हैं। दुनियादारी में बड़ी खबर के आखिरी में हम एक सवाल लेकर आते हैं कि इन सब बातों को, इतिहास के इन पन्नों को हम आज क्यों बांच रहे हैं? इसकी वजह है बीते रोज DRC से आई एक हमले की खबर। ये वारदात नॉर्थ किवू प्रांत स्थित गोमा शहर के नजदीक हुई। 22 फरवरी को WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की दो गाड़ियां यहां से गुजर रही थी। WFP यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है जिसका मकसद होता है संघर्ष प्रभावित इलाकों में गरीबों और वंचितों को भोजन मुहैया कराना, और इसी प्रोग्राम के तहत ये काफिला एक स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में 6 हथियारबंद हमलावरों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने काफिले को रोकने के लिए पहले तो कुछ वार्निंग शॉट दागे, फिर दोनों गाड़ियों में बैठे लोगों को नीचे उतारा, उन्हें किडनैप किया, नज़दीकी विरुंगा नेशनल पार्क ले जाने लगे। इसी वक्त नेशनल पार्क में गश्त कर रहे रेंजर्स ने इन्हें देखा, फिर उन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। भागने के क्रम में इन हमलावरों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 3 लोग मारे गए। इसमें DRC में पोस्टेड इटली के राजदूत लुका अटेंसियो भी शामिल थे। लुका के अलावा उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर की भी मौत हो गई। 1993 में फ्रेंच राजदूत फिलिपे बर्नार्ड की हत्या के बाद ये पहली वारदात है जब DRC में किसी एम्बेसडर की हत्या हुई हो। और ये हत्या किसने की? फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आंतरिक मंत्रालय ने इसके पीछे डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा का हाथ बताया है। ये हुतू समुदाय से जुड़ा एक विद्रोही गुट है। UN पीस कीपिंग मिशन के तहत हमारी भारतीय फोर्सेज ने भी इस संगठन से लंबी लड़ाई लड़ी है। लुका अटेंसियो वारदात के समय दक्षिणी DRC में सफर कर रहे थे। ये देश का सबसे असुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ DRC के मिलिशिया ग्रुप्स ही एक्टिव नहीं है, यहाँ पर
इनके अलावा रवांडा, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और युगांडा जैसे पड़ोसी देशों के भी दर्जनों मिलिशिया ग्रुप्स का डेरा है। ऐसे में एम्बेसडर एटेंसियो के साथ कड़ी सुरक्षा का न होना बड़ी चूक माना जा रहा है। डीआरसी में यूएन और बाकी मानवाधिकार एजेंसियों को जान पर खेलकर काम करना पड़ता है। हमलावर दवाई और खाना लेकर जा रहे उनके काफिलों को भी नहीं बख्शते। यूएन पर हुए हमले का सबसे कुख्यात एपिसोड भी यही हुआ था 18 सितंबर 1961 को। इस रोज यूएन के तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल डैग हारमसोल्ट एक शांति वार्ता के लिए डीआरसी जा रहे थे। आधी रात के करीब उनका प्लेन क्रैश हो गया। हारमसोल्ट समेत विमान पर सवार 15 लोग तत्काल मारे गए। ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये आज भी मिस्ट्री है। शुरुआत में कहा गया कि डीआरसी के मिलिशिया फोर्स ने विमान गिराया, फिर इसमें पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की मिली भगत की भनक मिली। हारमसोल्ट कॉलोनियल पावर्स को अफ्रीकी देशों से निकालने के पक्षधर थे। कहते हैं शायद इसीलिए उनकी हत्या कराई गई। 2019 में यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया और कहा गया कि ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमरीका, इन चारों देशों के पास इस विमान हादसे की अहम जानकारी है, लेकिन ये देश जानकारी दबाए बैठे हैं। आप सोचिए कैसी विवशता है। वापस लौटते हैं डीआरसी पर। दुनिया में उसकी जैसी मिसाल बहुत कम है। सदियों से लगातार की तबाही, खून खराबा, शोषण, भुखमरी जैसे उसके इकबाल के साथ, उसकी किस्मत के साथ नत्थी हो गए हों। और सबसे विभत्स ये कि उसको बर्बाद करने वाले हत्यारे उसी के संसाधनों से अपनी फंडिंग करते हैं और इस बर्बादी की सप्लाई चेन में हमारी भी भागीदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे गैजेट्स में लगने वाला कोबाल्ट और बाकी धातुएं डीआरसी की जिन खदानों से आती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मार्केट से ऑपरेट होता है। इस मार्केट में मिलिशिया ग्रुप्स की हिस्सेदारी है। ये संगठन मिनरल्स निकलवाते हैं और किससे निकलवाते हैं, डीआरसी के बच्चों और औरतों से, जिन्हें रेप और टॉर्चर के सहारे बंधुआ मजदूरों की तरह खतरनाक खदानों में खटाया जाता है। वो नंगे हाथों से टॉक्सिक मटेरियल निकालते हैं और कभी इससे होने वाली बीमारियों से मरते हैं तो कभी खदान में दबकर। यानी माइनिंग कंपनियां भी इस शोषण के चक्र का हिस्सा हैं और इसमें सबसे आगे हैं चीन की कंपनियां। इनके पास डीआरसी के माइंस का बड़ा ठेका है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये कंपनियां 5-6 साल के बच्चों से मजदूरी करवा कर सस्ते में खनिज हासिल करती हैं और उससे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को मोटे मुनाफे पर बेचती हैं। मतलब बाहरी से लेकर भीतरी तक हर कोई डीआरसी को बर्बाद करने में लगा है। एक मुल्क जो खनिज संपदा में संपन्न है, एक मुल्क जिसके पूर्ववर्ती साम्राज्य में अगल बगल के देश होते थे, लेकिन आज की तारीख में जो सिर्फ तात्कालिकता और लोभ का मारा है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी हांगकांग से है। यहां चीन परस्त स्थानीय सरकार चुनाव संबंधी नया बिल लाई है जिसका नाम है एंश्योर पेट्रियट्स गवर्न हांगकांग, यानी देशभक्त ही हांगकांग चलाए, ये सुनिश्चित करने वाला प्रस्तावित कानून। इसके तहत अब निर्वाचित सदस्यों को चीन के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और दोबारा चुनाव लड़ने पर भी 5 साल का प्रतिबंध लग सकता है। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ फेसबुक और सरकार के बीच समझौता हो गया है। तकरार की वजह थी एक प्रस्तावित कानून जिसके तहत टेक कंपनियों को नुकसान होता। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज कंटेंट दिखाने के बदले मीडिया कंपनियों को पैसे देने पड़ते। इससे भड़के फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने यहाँ न्यूज कैरी करना बंद कर दिया। फिर इससे अफरा तफरी मची। शुरुआत में सरकार ने इस बैन पर बड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन अब वो कानून में बदलाव के लिए राजी हैं। जवाब में फेसबुक ने अभी बैन वापस लेने का ऐलान किया है और बीच में कुछ पैसे पर भी सेटलमेंट हुआ है जो अभी पब्लिक नहीं किया गया। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग केस में एमा कोरोनेल को अरेस्ट किया गया है। एमा मेक्सिको की कुख्यात ड्रग माफिया एल चापो की पत्नी है। अगर आप लोग OTT प्लेटफॉर्म वाली सीरीज देखते हैं तो एल चापो से वाकिफ होंगे। उस पर ड्रग तस्करी के अलावा पति एल चापो को जेल से भागने में मदद करने का आरोप है। एल चापो 2015 में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खुदवाकर मैक्सिको की जेल से फरार हो गया था। एमा के पास मैक्सिको और अमरीका दोनों की साझा नागरिकता है। उसे 22 फरवरी को देर रात वर्जीनिया स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया। 23 फरवरी को फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभरात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म
तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।